क्या सोच रही हो यशोदा? अर्जुन के बच्चे इससे कब खेलेंगे? हम भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। अर्जुन तो खुद भी अभी बच्चा है, फिर भी चिंता हो रही है। हमने उसकी भलाई को सोचकर उसके अतीत का दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दरवाजे के पार क्या है? कहीं बहुत गहरी खाई हुई तो प्रणाली जिस चीज को लेकर अर्जुन को बचाने की कोशिश कर रही थी वो क्या है? वो यशोदा, जो चीजें हमारी सोच और समझ के दायरे से बाहर होती है ना, उन तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है, भरोसा। अर्जुन पर और उसके भाग्य पर भरोसा रखो। अस्तिका। प्रणाम गुरु वासुदेव। अपनी शक्तियों की कमी इस अभिमंत्रित जल से पूरी करना चाहते हो? कैसे रक्षा करना चाहते हो? किसी अनजान शत्रु से या अपनों से? मैं जानता हूं कि आप मुझे मेरी पत्नी और पुत्र के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये आग आप लगा नहीं पाएंगे। इस कार्य में आप असफल ही रहेंगे। चलता हूं। आग तो लग चुकी है हस्ती, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ भस्म होने से पहले तुम्हारी आंखें खुल जाए। अर्जुन तो ठीक है, देख मेरी तरफ, ये सब क्या था? ये आग किससे जलाई? तू उसके अंदर कैसे फंसा? बता मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मामा कैसे पूछा? राजवीर, हम यहाँ क्यों आए? और ये तो पापा की डेस्क है, लेकिन ये खाली क्यों है? पापा के फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सब सब कहाँ है?
राजवीर, 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 पापा कहाँ है? मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए बहुत हिम्मत छीन हो रही। राजवीर साफ साफ बताओ बात क्या है, क्या हुआ है पापा? पहले मैं तुम्हें सच नहीं बताने वाला था क्योंकि डर था मुझे कि सच को तुम सुन पाओगी या नहीं। मैं क्या सच नहीं सुन पाऊंगी राजवीर, साफ साफ बताओ ना पापा को क्या हुआ है। हाय पापा बताओ ना, इस राजवीर बताओ पापा कहाँ है, कैसे है उन्हें? क्या कहता नौरी तुम्हें से? और किस मुंह से कहता? जिस जंगल से तुम्हारे पापा की गाड़ी मिली उस जंगल में ऐसे खूंखार जानवर घूमते हैं जिसके बारे में इंसानों को भी अंदाजा नहीं। कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे पापा का, सिर्फ ये मिला। पापा की अंगूठियां है और पापा का रुमाल और यूनिफॉर्म, इसमें खून के निशान क्यों है? राजवीर प्लीज बताओ ना क्या हुआ है पापा को, कहाँ है वो? जानवर हो रही, पूरी जंगली जानवर जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सब कुछ नोच लिया, कुछ नहीं छोड़ा एसपी सर का। नहीं हो सकता, अजय प्लीज बोलो ये सब झूठ है। बोलो कि ये झूठ है, प्लीज बोल दो कि पापा को कुछ नहीं हुआ। मैं भी इसको झूठ मान लेता अगर लैब की रिपोर्ट ये नहीं कहती कि ये एसपी सर का खून है। इसे तो मैं भी झुटला नहीं सकता। मान लो कि अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मैंने अपने गुरु को भी खो दिया, कि रात चार दिन पहले ये हुआ था, लेकिन सच कौन होली? मैं तुम्हें अब भी झूठ बोल रहा हूं क्योंकि अब तक आधा सच मैंने तुम्हें बताया ही, क्योंकि मैं जानता हूं कि आधा सच सुनने के लिए तुम मेरे खिलाफ भी चली जाओगी। क्या हुआ था उस रात को, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? राजवीर प्लीज बताओ ना क्या हुआ था, बताओ ना क्या हुआ था सर। नूरी क्या फायदा, मैं सच बोलूंगा तो भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। चलो ठीक है, तुम्हें सच जानना, मैं सच कहूंगा, उसके बाद तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है या ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। जिस रात तुम्हारे पापा गायब उसकी एक रात पहले ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने मुझे कहा कि अर्जुन तुम्हारे पापा से मिलने पुलिस स्टेशन आए। पहले तो मैंने चिंता नहीं की इस बारे में, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अर्जुन पापा से क्या काम। ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अर्जुन तुम्हारा दोस्त, अगर मैंने उससे पूछताछ की उसे पुलिस स्टेशन ले आया तो तुम्हें यही लगेगा कि मैं बेमतलब का उसे किसी केस में फंसा दूं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, पिछले दिनों में अर्जुन जिन लोगों से मिला है उन सबकी अचानक से मौत हुई। पहले वो औरत जो उसके घर आई थी, उसके बाद वो मंदिर वाले बाबा और अब तुम्हारे पापा। ये जरूर कोई कोइंसिडेंस होगा। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अब तक अर्जुन से पूछताछ नहीं की है। तुम राजवीर उससे कुछ नहीं पूछो, सच्चों की बात करनी होगी
मैं करूंगी, वो भी अभी करूंगी। गुरीम, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पापा की आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना है, और मैं वादा करता हूं सच को सामने ला कर रहूंगा। क्या मतलब तू जानता नहीं है? कोई यहां तेरे आसपास आग लगा के चला गया, तुझे मरने के लिए छोड़ के चला गया, और तू कह रही कि तू जानता नहीं है? What's wrong with you, यार पागल हो गया क्या तू? अर्जुन कुछ बोल, क्या चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट रहा है? देख प्रीता, आज अगर मैं नहीं आती ना तो तू मर जाता, समझ रही तू? तू तो अच्छा हुआ मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, और मैं लिफ्ट के चक्कर। तुझे चोट लगी थी यहाँ पे, वो कहाँ है? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। नहीं चोट लगी थी अर्जुन, मुझे कोई चोट नहीं लगी थी टीना, मैं बोल रहा हूँ ना। अर्जुन मेरे देखो है यहाँ पे, अभी तो आग जल रही थी यहाँ पे, कब से जल रही थी? अर्जुन ये क्या हो रहा है, तू बताएगा मुझे प्लीज? चले जाओ। जब से अस्तिका जी से मिला हूं कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, और जब भी कुछ अजीब होता है वो किसी ना किसी तरह से उससे जुड़े होते हैं। अगर सब कुछ नहीं तो उन्हें कुछ तो जरूर पता है। आज चाहे वो जितना मना कर ले, मैं उनसे सच निकलवा कर ही रहूंगा। अर्जुन मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे। मैं भी उसी सवाल का जवाब लेने जा रहा हूं। अर्जुन बोलो तो। अर्जुन साहू के रहस्यों के बारे में रिसर्च करने आई थी, पहले मुझे अर्जुन के बारे में पता करना होगा। अर्जुन क्या कर रही हो? अर्जुन को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना तुम्हें, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, इस वक्त तुम्हें आराम करने की जरूरत है। राजवीर मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मेरे पापा नहीं रहे, और मेरा सबसे अच्छा दोस्त उसे मेरे पापा। राजवीर मैं बस अर्जुन से इतना पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे पापा से क्यों मिला था? अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या कहा था हमने शंखचूड़ कि तुम दोनों आग से खेल रहे हो? मना किया था हमने तुम दोनों को कि अग्नि जैसे मायावी हत्यारे किसी के काबू में नहीं रहते। बिना हमारी अनुमति उसने अर्जुन शास्त्री पे वार कर दिया ना, और इसका नतीजा क्या हुआ? अर्जुन बच गया। हाँ शंखचूड़, नागमाया बिल्कुल ठीक कह रही है। शंखचूड़ अब तो हमें भी चिंता होने लगी है। महाबली अस्तिका ने हमें चेतावनी दी थी, उन्होंने हमें बताया था कि हम जितनी बार उस मानव अर्जुन शास्त्री पर वार करेंगे वो उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। शंखचूड़ आपको ध्यान रखना चाहिए था, उस अग्नि पर नजर रखनी चाहिए थी। कभी कभी मुझे अपने आप पे कुछ ज्यादा ही गर्व होता है। समझ नहीं आता कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप दोनों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। समझ तो हम नहीं पा रहे हैं आपको शंखचूड़, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस बार अग्नि के वार से अर्जुन बच गया, ये तो आप दोनों ने देखी, पर अर्जुन की आंखों में जो भय था वो किसी ने नहीं देखा। इस बार तो टीना ने अर्जुन को बचा लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार अर्जुन की किस्मत इतनी अच्छी हो कि टीना उसे बचाना चाहे।
अगली बार अग्नि का वार अर्जुन झेल नहीं पाए। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो शंखचूड़? ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की का अर्जुन शास्त्री को बचाना कोई सहयोग ना हो। हो सकता है उसे महाबली अस्तिका या गुरु वासुकी ने भेजा। हाँ शंखचूड़, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उस मानव अर्जुन शास्त्री को तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक महाबली अस्तिका जिंदा है। और महाबली अस्तिका अब गुरु वासुकी के साथ रहते हैं, जो महाबली की ही तरह बिना नाग शक्तियों के भी कितने शक्तिशाली हैं, ये हम सब जानते हैं। आप दोनों अब तक वो नहीं देख पा रहे जो मैं आप दोनों को दिखाना चाहता हूं। गुरु वासुकी की चिंता आप लोग मुझ पर छोड़ दो। अग्नि अगर अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब भी रहा तब भी गुरु वासुकी और महाबली अस्तिका यहां तक कि उनके उस आधे नाग बेटे को भी खत्म करने में मेरा दाया हाथ काफी। जानते हैं ना मेरा दाया हाथ क्या कर सकता है? बस छूना ही काम है। सफाई से होना बहुत जरूरी है। महाबली अस्तिका और गुरु वासुकी की सिर्फ नाग शक्तियां छिंदेगी, उनकी सोचने और समझने की ताकत नहीं। हम कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते। लुक्का छुपी मुझे पसंद नहीं है। जो भी हो मेरे समक्ष आए ताकि हम दोनों का समय बर्बाद ना हो।